नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। भिवानी नगर परिषद घोटाले मामले में अपना समाज मोर्चा के पदाधिकारियों ने जो भिवानी नगर परिषद में गलियों का घोटाला हुआ है उस बारे में 29 अप्रैल 2022 को लघु सचिवालय में भिवानी के माननीय पुलिस अधीक्षक को गलियों के घोटाले से अवगत कराते हुए सौंपा ज्ञापन। अपना समाज के मोर्चा के राजेंद्र तंवर, रमेश वर्मा सोनी, मीना जांगड़ा और रणवीर भाटी ने माननीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर गलियों की घोटाला करने की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। अपना समाज मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा, भिवानी में 1000 से 900 गलियां बनी हैं, जिसमें एक गली का एस्टीमेट 6 लाख से लेकर 9 लाख था, लेकिन एक गली की पेमेंट 27 से 28 लाख रुपए की गई है। अपना समाज मोर्चा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि भिवानी के नगर परिषद के भूतपूर्व चेयरमैन रण सिंह यादव की गलियों की कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ सांठगांठ थी, जिसमें भिवानी नगर परिषद के अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं। अपना समाज मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा, रण सिंह यादव की सांठगांठ हर हर महादेव कंपनी, दी बजरंग बली कोऑपरेटिव सोसाइटी और निमरी वाली कंस्ट्रक्शन कंपनियों से थी। रण सिंह यादव ने भिवानी नगर परिषद के कई कर्मचारियों के साथ मिलकर ये घोटाला किया है। अपना समाज मोर्चा के पदाधिकारियों ने भिवानी के लघु सचिवालय में माननीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है और कहा है, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए सोनू पवार की रिपोर्ट। आज अपना समाज मोर्चा के पदाधिकारी SP साहब से गलियों में जो घोटाला हुआ है नगर परिषद में, उसके बारे में मिलने के लिए आए थे। ये तीन कंपनियां हैं, एक हर हर महादेव कंपनी है, एक दी बजरंगबली कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से कंपनी है, एक निमड़ी वाड़ी के नाम से कंपनी है। इन तीनों कंपनियों का सांठगांठ थी रण सिंह यादव से, एमई से, जेई से और इनसे मिलके इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला भिवानी शहर में किया है। इन्होंने कम ये जो घोटाला है, ये सारे घोटालों से बड़ा घोटाला है। अगर इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी तो बहुत बड़ा घोटाला जो आना भिवानी शहर में निकल करके आएगा। एक तो इसकी MB की जांच करवाई जाए, जो MB भरी है जेई ने, और MB ने जो बिल बनाए हैं, बिल काटे हैं, उनकी जांच करवाई जाए, क्योंकि जो एस्टिमेट था गलियों का वो किसी का 6 लाख, किसी का 7 लाख, किसी का 9 लाख और पेमेंट हुई है 26 लाख की, 27 लाख की, 30 लाख की, मतलब कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती। जब एस्टिमेट ही 6,70,000 रुपये का है और पेमेंट 26 लाख रुपये की हो रही है, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। हम आज SP साहब से मिल करके ये बात करने के लिए आए थे कि इस घोटाले की भी जाँच करवाई जाए। जो ये गलियों का घोटाला हुआ है, भाई राजेंद्र तंवर के नेतृत्व में आज SP साहब से मिले हैं और SP साहब ने यह आश्वासन दिया है कि हम इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी इनको अरेस्ट करवाएंगे। अपना समाज मोर्चा की तरफ से आज हम लोग SP साहब से मिले हैं, राजेंद्र तंवर जी के नेतृत्व में इन्होंने जो बड़ा घोटाला गलियों का निकाल के लाए, वो हमने आज पूरे रसीदों समेत सारा सब कुछ SP को दिया कि एक और मामला दर्ज किया जाए और छानबीन करके जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने भी ये घोटाला किया, भिवानी की जनता का पैसा जिन लोगों ने लूटा, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करें, ताकि जो है ना भिवानी की जनता को ये लगे कि हमारा जो पैसा है वो किस तरह से गायब हुआ है, कैसे भिवानी त्रस्त हुई है। ये हमें जो है ना ये सारी चीजें जो है ना, दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसा विश्वास है SP साहब। अपना समाज मोर्चा के तेज, अपना समाज मोर्चा भिवानी की तरफ पूरी कार्यकारिणी यहाँ पर आई है, SP साहब को ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि आज जो घोटाला के विषय में हमने जो दिया है वो जो अभी तक लगभग मेरे हिसाब से 900 से 1000 के बीच में गलियां बनी होंगी, उनका जो घोटाला है कि बहुत ही सोचने के लिए है। जिस गली का एस्टीमेट मान लीजिए 6 लाख रुपए है और जिसको माइनस में 20% दिया गया है, तो अगर उसकी गली का अगर अमाउंट लगाएं तो नियर अबाउट मान लो माइनस में जाने के बाद भी वो लगभग 7.5 लाख के आसपास बनता है, लेकिन उसका जो अमाउंट पे हुआ है वो लगभग किसी का 27 लाख हुआ है, किसी का 28 लाख हुआ है, यानी कि ये मान लीजिए आप कम से कम 4 या 5 गुना उन्होंने उसको बढ़ा के उसकी पेमेंट की हुई है। ये तो निराधार साफ स्पष्ट घोटाला दिखाई दे रहा है और यह घोटाला मेरे हिसाब से जो पिछले पहले वाले घोटाले हैं उनसे काफी कई गुना बड़ा होगा। ये 2-3 कंपनियां हैं जिसके कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम मिला हुआ था, आपस में मिली भक्ति और कमीशन वगैरह सेट करके इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया गया है।